हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे मोबाइल से कार्टून कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो आपको मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पोजमैक्स ऐप। तो आप इसको ओपन करते हैं। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो पोजमैक्स एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको वाइट कलर को सबसे पहले ग्रीन कलर में चेंज करना है, जिसकी मदद से आप क्रोमा की मदद से आप इसे आसानी से किसी भी पावर डायरेक्टर काइन मास्टर में इसे आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपली सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर पे क्लिक करना है। ग्रीन कलर पे क्लिक करने के बाद तो ये सिंपली ग्रीन कलर हो चुका है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा बैकग्राउंड देखिए ग्रीन हो चुका है। तो अब बारी आती है आपको कैरेक्टर पोज एनिमेशन को किस प्रकार से सेट किया जाए। तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं, तो मैं आपको एक एक से कैरेक्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन वाले कैरेक्टर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अच्छा एक कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अब इस कैरेक्टर को एनिमेशन कैसे करवाए, जैसे मैंने ये वाला कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा एनिमेशन, तो आपको एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप इस कैरेक्टर को अपने इच्छा अनुसार मूव कर सकते हो। तो देखिए ये फ्लाई, एक और प्रकार का फ्लाई, आप इसे टर्न भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हो। देखिए गाइस, आपको यहाँ पर कैरेक्टर को अपने मर्जी के हिसाब से आप हर कैरेक्टर को इस प्रकार से वॉक करवा सकते हो, डांस करवा सकते हो। तो अब सिंपली हम चले जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद ये सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं पोज, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर भी बहुत सारे पोज देखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो हम एक पोज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला पोज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप ओके पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में इसको हम टर्न कर लेते हैं इस प्रकार से। अगर आपको इसका पैर उठाना है तो आप इसकी मदद से आप यहाँ से पैर भी इसका ऊपर नीचे कर सकते हो। माउथ इधर घुमाना है तो आप यहाँ से माउथ घुमा सकते हो। हैंड, इसका हैंड भी यहाँ से आप हिला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इसकी मदद से बहुत अच्छे अच्छे कार्टून वीडियो क्रिएट करोगे।